राम राम जी, आप सबका स्वागत है हमारे चरणा इंटी देसी रसोई में। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजीरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय भोग लगाया जाता है और जो लोग व्रत करते हैं वो भी इसी पंजीरी को खाकर अपना व्रत खोलते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये मैंने एक कटोरी धनिया, एक कटोरी चीनी और कुछ बादाम लिए हैं, एक कप नारियल बुरादा और एक कप देसी घी लिया है। अब कढ़ाई गर्म करेंगे और एक चम्मच घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया, अब इन बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। बादाम हल्के से रोस्ट हो गए, अब इनको निकाल लेंगे। अब जो ये नारियल बुरादा है इसको हल्का सा सेक लेंगे। ये देखो हल्का सा ब्राउन हो गया, बस इतना ही करना है। अब इसी कढ़ाई में दो चम्मच घी और डाल देंगे और धनिया डालकर हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। ये देखो धनिया अच्छे से भुन गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब धनिया को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब ये जो रोस्ट बादाम है इनको थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। अब धनिया ठंडा हो गया, अब इसको मिक्सी में डाल देंगे। अभी एक कटोरी चीनी डालकर बारीक पीस लेंगे। ये हमने पीस लिया है, ये देखो कितना बढ़िया पाउडर बन के तैयार हुआ है। अब किसी बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसमें और भी सामान मिलाना है। ये एक कटोरी नारियल बुरादा डाल देंगे जो हमने हल्का सा भून रखा है, और एक कुटे हुए बादाम भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप अपनी पसंद के और जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं वो डाल लें। अगर ड्राई फ्रूट्स न हो तो धनिया, दो चम्मच घी और चीनी से भी बहुत स्वादिष्ट पंजीरी बनेगी, क्योंकि हम धनिया पंजीरी बना रहे हैं। अब मुझे ये थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें 3-4 चम्मच और घी की डाल देंगे और अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस प्रकार से धनिया पंजीरी बनाकर कभी भी खा सकते हैं और व्रत में भी खा सकते हैं। धनिया पंजीरी हेल्दी एंड टेस्टी होती है। अब गार्निश के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब धनिया पंजीरी भोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। भगवान का भोग लगाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान का भोग तैयार है, ये देखो कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है धनिया पंजीरी। तो इस प्रकार से धनिया का प्रसाद बनाएं और अपने कान्हा को भोग लगाएं। ये देखो देखने में भी कितनी स्वादिष्ट लग रही है। तो इस प्रकार से धनिया पंजीरी बनाएं और फिर किसी एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें। 1-2 महीने तक खराब नहीं होगी, जब भी मन करे इसे निकाल कर खा लें। ये मैंने जन्माष्टमी के लिए बनाई है और अब इसको डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दूंगी और जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को भोग लगाकर खा लेंगे। तो इस प्रकार से पंजीरी बनाएं और कान्हा को भोग लगाएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।